आज है एक नया ब्लॉग, एक नया दिन, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हमारी पूरी रूटीन दिखाई दी जाए आप लोगों को। तो भाई अभी सुबह के मेरे ख्याल से बज रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं 10:42, मतलब के 10:30 से 11 बजे का टाइम है। तो जिंदगी में पहली बार मैं इतनी जल्दी उठी हूँ सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग की वजह से। ठीक है, ब्लॉग बनाते हैं, 2-3 वीडियो शूट करते हैं क्योंकि हमें डालनी भी है और काफ़ी दिन हो गए हैं और बहुत हम आउट ऑफ अपनी रेंज टाइम से बाहर चल रहे हैं कि यूट्यूब की वीडियो जब आया दिल में उठा के डाल दी। बट अब इंशाल्लाह आप लोगों को रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। ओके, तो भाई अभी ब्लॉग शुरू करते हैं, अभी मजा आएगा ना वीडियो और आगे जो जो होगा हम आपको दिखाएंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सब सो रहे हैं, पूरी फैमिली सो रही है और मैं उठ के वीडियो शूट की। मैंने वीडियो शूट करने के बाद आज मैं स्कूल नहीं गई, तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ और इंशाल्लाह कल से रेगुलर जाएंगे। तो सुबह इंशाल्लाह उठेंगे कितने बजे, 6 बजे, तो आपको वो वाली रूटीन भी दिखाएंगे। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी फैमिली सो रही है और गेट लॉक हुआ है। देखें, मेरी अम्मा जान, मेरे अब्बा जान सब सो रहे हैं और मैंने गेट लॉक कर दिया है। सब सो रहे हैं और एक मैं अनोखी उठ के वीडियो शूट कर रही हूँ। मतलब कि कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। जिंदगी में पहली बार मैं जल्दी उठी हूँ, वरना मुझे कब जब अपने मतलब से उठना होता है ना, मैं उठ जाती हूँ, लेकिन अपने मतलब से उठती हूँ, समझ रहा। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह ये लोग उठते हैं तो नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर मैं भी सोने जाती हूँ, एडिटिंग वगैरह करती हूँ जो बाकी है, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो हे गाइस, मेरी हो चुकी है सुबह। ठीक है, सुबह के मेरी हो चुकी है सुबह, लेकिन हो रहे हैं दोपहर और मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ तो दोपहर का क्या टाइम हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है दोपहर के 1:45। मेरी मुन्नी खा रही है खाना और एक मुन्नी घर समेट रही है। 1:45 बजे, दोपहर के 1:45 बजे हम महारानी साहब होती है और ये तीनों तैयार हुई है जाने के लिए। जब सो के उठे तो पता चला कि अम्मा अब्बा घर पर नहीं है, तो अम्मा अब्बा घर पर नहीं है तो मेरी बहनें अभी अभी आई हैं स्कूल से, तो उन्हें देना पड़ेगा खाना पका कर। तो मतलब मुझे पकाने पड़ेंगे पराठे, भाई पराठे बनाने हैं। तो चलें पराठे पकाते हैं और फिर इंशाल्लाह खाएंगे पियेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। Guys, I am in the kitchen. So, kitchen में आने के बाद मुझे पकाने पड़ेंगे पराठे। पराठे के लिए आपको सबसे पहला चाहिए होता है आटा। एंड लुक अभी नहीं आया आपके सामने। काश हमारे घर में मासी होती, आज ये नौबत ना आती। मुशक्कत के बाद मुझे जब रोटी बना ली तो पता चला कि पराठा है। तो पराठे की आप देख सकते हैं बड़ी प्यारी सी शेप आई है। तो ये देखिए, इसको पहले पका लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी शेप कैसी आई। ओके, होना बेहतर है। मैंने पका लिया है फाइनली, कुछ होने से ना होना बेहतर है। मैंने पराठा पका लिया है। ये लो, अभी धो के रख ये लो। ऊपर प्लेट में डालो, ये लो चाय। अरे भाई, ये लो खाएंगे साथ चाय पराठा। क्या खाएंगे? चाय पराठा। बस एक ही खाओगे ना पराठा? खाओगे एक में? बस मैं थक गई। तो यही हमारा सफर खत्म होता है, किचन सफर तो खत्म होता है। ये मेरा पूछ निकल लिए, ये मेरा पराठा, ये पूंछ निकल ली, ये पूंछ वाला पराठा जिसके अंदर मैंने शेप पता नहीं कौन सी दी है, इंडिया की शेप है आई थिंक। इंडिया, आई लव इंडिया। तो ये सब खाते हैं हम देसी घी के पराठे, देन ये। ओके, कौन है, छोड़ के चली गई आपको? इनके एक्शन देखें गाइस, इनके एक्शन कहीं मिलते ही नहीं है भाई, इनके एक्शन तो कहीं मिलने वाले नहीं है। गाइस को वो करके दिखा, शर्मा के दिखा। टाइम क्या बज रहा है? 3 बजने में अभी है बीच में। ठीक है, तो अभी कोई सीन नहीं है, अभी बहुत जोरों से नींद आ रही है। आंख देख रहे हैं आप तो, बहुत दिख चुकी है और मुझे बहुत तेज आ रही है नींद।
ठीक है। और अभी इवनिंग से पहले सब समेटना पड़ेगा, किचन की हालत, ये घर की हालत, दोनों चीज़ें समेटनी पड़ेंगी हमें। तो घर वगैरह समेटते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बहुत नींद भी आ रही है, क्या करें। मैं घर तो अपना है ना, पढ़ाई कहीं किसी से खरीद के थोड़ी ना लाए हैं भाई। तो घर वगैरह समेटते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। कौन है ये लोग? तो यार गाइस, ये दिन जैसे तैसे करके गुजर तो रहा है, लेकिन सोते उठते बैठते खाते पीते फ्री की रोटियां तोड़ते गुजर रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा दिन बहुत ही ज्यादा बोर गुजर रहा है। तो अम्मा अब्बा आपको पता है गए हुए हैं, तो अम्मा अब्बा ने स्पेशली मेरी मुन्नी के लिए, मुन्नी के लिए केले ला के देते, जो कि मैंने खा के खत्म किए, क्योंकि बच्चों की चीज खाने में ना एक अलग ही मजा होता है। हेलो मंजुषा, हेलो गाइस, ये देखेंगे मैंने केले उड़ाए हैं। मतलब कि केले खाने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो भाई केले खाए, केले इसलिए मतलब कि हमारे घर में जितने भी केले आते हैं ना, बस्ता एक लुकमा भी नहीं, मतलब कि एक केला तो होता है ना, 5 दर्जन लिया, 10 दर्जन लिया, 20 दर्जन लिया, कितने भी दर्जन लिया, बस्ता एक भी नहीं हमारे घर में। तो अभी पापा इसके लिए चीज़ आए, चीज़ मैं भी खाऊंगी और इसे भी खिलाऊंगी, तो चीज़ खाते हैं हम लोग मिलकर। खाना आ चुका है और बड़ी मज़े की दाल है। कौन सी माश की दाल है जो मैं निकाल के लाई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। टेस्ट करते हैं, खाते पीते हैं और ऐश करते हैं, ठीक है भाई। ये हमारा खाना है। और टी चाय निकालने के लिए हम किचन में आए हैं, चाय देते हैं क्योंकि अम्मा अब्बा आए हैं। देखा, मम्मा ने सही कहा था कि किचन सवाल क्यों करना, मैं सारी चीज़ें गिराती हूँ। तो भाई ये हम निकाल लें टी, और ये जो है ना, ये जो मैंने हज किचन की हालत की है दोपहर से शाम से लेकर अब तक, पका पका के कभी कुछ पकाया कभी कुछ पकाया, तो मैंने जो पका पका के हालत की है उसे सेट भी करनी पड़ेगी। तो ये चाय निकल चुकी है, महारानी साहिबा के प्लेट में डालते हैं। अब वो जान गए नमाज पढ़ने के लिए, आ गए, देखा नाम लिया और हाजिर। तो गेट ही खोल लेता वरना भी बजेगा ठक 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 ठक। कौन? देखा, मेरे नवाजी पापा आ गए। तो चाय बन गई है, अब मैं निकाल के ले रही हूँ। और ये रही हमारी चाय। कैन यू टेक दिस चाय, अंदर लेके चलेंगे, सर्दी बहुत है। थैंक यू सो मच। दिस इज माय लुक, तो सब्सक्राइब कर ले भाई। दिस इज माय ऑर्डर। ओके, चलें इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं हम बैठ के। लेट्स चेक इट आउट। ये मामा खोल रही हैं। पिज़्ज़ा फॉर पिज़्ज़ा। क्या, किसका ये? मेरी मुन्नी है, मेरी मुन्नी। पिज़्ज़ा खाएगा? हैं, पिज़्ज़ा खाएगा मेरे पिज़्ज़े तो? केचप सॉस। ये पिज़्ज़ा है शान इंटरनेशनल वालों का। ये मैंने डील बुक करी है। और ये पर्ची। ओ भाई। नहीं मेरा है। नहीं मेरा है। कुछ भी। ये बर्गर है। और इसमें हमारा पूरा खानदान खाएगा। ओके, तो यार गाइस, ये व्लॉग यहीं करते हैं एंड, ठीक है। ये व्लॉग यहाँ हो चुका है खत्म। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, मतलब के नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। भाई मेहनत करते हैं यार, सब्सक्राइब तो करना चाहिए ना यार, ठीक है। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा एंड अल्लाह हाफिज।